आज की हमारी काव्य यात्रा पत्थरों के एक खंडहर से शुरू होती है और देखिए भावों के माध्यम से वह कहाँ जाकर रुकती है। पूरी सुने, आपको अच्छा लगेगा। एक नया प्रयोग तो आज के इनायतों के माध्यम से आप भी रूबरू हों हमारे इस नए जज्बे से, काव्य के इस नई धारा से, काव्य के इस नए स्वरूप से। देखिए, पाषाणों का खंडर बनकर जिया करेगा क्यों कोई, दृश्य लिए यह आँखों अपनी, तन्हाई भी है रोई। कंकड़ पत्थर जोड़ जोड़ कर सपने उसमें बसा दिए, अनुभूति की माला गूंथी, जपते जाते उसे लिए। विद्युत की सी यादें तेरी कोंध चली जाती दिल को, आए थे पल मधुर मिलन के, जला गए हैं तिल तिल को। दर्द जगाती बस्ती सारी बतला कहें कहें किसको, उम्मीदें कुछ जिंदा होती, जिंदा रख पाती मुझको। उत्तर काशी चल कर देखें, शायद शिव मिल जाए तो, रूप दिखा अपने वैभव का, भावों में खिल जाए तो। अपनापन भी दे देंगे वो, पान गरल सिखलाएंगे, सुख ओ दुख से ऊपर उठकर रहना सरल बताएंगे। संबंधों का गहरापन तो मान सरोवर मिल पाए, शांत सुखद परिवेश वहाँ का, कैलाशी बन ढल जाए। तब ही गौरी करें तपस्या। देखिए कि शिव और पार्वती का प्रेम अमर प्रेम है, सतयुग का कोई अमर प्रेमी माना जाता है तो वह शिव पार्वती का जोड़ा माना जाता है, जिसे आज कलयुग में भी हम पूजते हैं। और अमूमन जब भगवान शिव की आराधना करते हैं, बेशक स्त्रियां करें या पुरुष करें, वे भगवान शिव और माँ पार्वती से उनके जोड़े की तरह की कामना करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब सारी दुनिया में प्रेम की वह धारा कहीं अवरुद्ध होती लगे और अमर प्रेम बाधित होता हो, तो सचमुच मानसरोवर जाना चाहिए, जहाँ माँ पार्वती और शिव अमर प्रेमी के रूप में विराजते हैं। तो देखिए, अंतिम ये चार पंक्तियाँ इसी को लेकर कही गई हैं कि संबंधों का गहरापन तो मान सरोवर मिल पाए, शांत सुखद परिवेश वहाँ का, कैलासी बन ढल जाए। तब ही गौरी करें तपस्या, महादेव की बन दासी, पलता जाए अमर प्रणयूं, मिलकर सबकी सब राशि। तब ही गौरी करें तपस्या, महादेव की बनदासी,
पलता जाए अमर प्रणय यूं मिलकर सबकी सब राशि। तो दोस्तों आज की ये इनायतें सबकी सब राशियां मिलाने की कामना करती हैं और एक संदेश देती हैं कि कभी किसी का प्रेम टूटे नहीं, अवरुद्ध न हो, बल्कि माँ पार्वती और शिव दोनों की कृपा और आशीर्वाद से यह उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। आज की इनायतें आप सबके लिए यही दुआ करती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इनायतों के माध्यम से यह कविता का स्वरूप, यह तेवर अच्छा लगेगा, और यदि सचमुच अच्छा लगे तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ कि हमारा इनायतें का ये कारवां दिन प्रतिदिन और अधिक आगे बढ़ता जाए, ज़्यादा से ज़्यादा साथी इसमें जुटते जाएं। पुनः धन्यवाद, आदाब, आभार।